के एग्जिट पोल के मुताबिक 20 से 28 मिलेंगी बीजेपी को और अदर्स को मिलेंगी 10 से 14। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये अदर्स का आंकड़ा बीजेपी के आंकड़े में जोड़ भी दिया जाए तब भी बहुमत के आंकड़े से बीजेपी हरियाणा में दूर रह सकती है। ये आ गया सी वोटर का आंकड़ा, महा एग्जिट पोल है आज, इसीलिए हर एग्जिट पोल के आंकड़े न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। कांग्रेस को 50 से 58 सीटें, सी वोटर कह रहा है, अदर्स को 10 से 14 और बीजेपी को 20 से 28। अगर आप 20 से 28 और 10 से 14 को जोड़ भी दें और मैक्सिमम फिगर पकड़ें तब भी 28 और 14 जोड़कर होते हैं 42, बहुमत का आंकड़ा है 46। ऐसे में बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार सी वोटर के मुताबिक हरियाणा में बनने जा रही है। मिनिमम 50 सीटें सी वोटर कह रहा है कांग्रेस पार्टी जीतेगी हरियाणा में। अब सी वोटर जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कह रहा है जरा वो भी देख लीजिए। हरियाणा का आंकड़ा हो गया सी वोटर का 50 से 58, अब ये आ गया सी वोटर का जम्मू कश्मीर का आंकड़ा जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है, 40 से 48 सीटें एनसी और कांग्रेस को, बीजेपी 27 से 32 यानी बहुत ज्यादा पीछे बीजेपी नहीं है, पीडीपी को 6 से 12 और अदर्स को 6 से 11। बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है ये, अब खुद देख लीजिए आप। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 40 से 48 के बीच सीटें मिल रही हैं तो ये बहुमत के इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी 90 सीटें हैं। अब 46 सीटें चाहिए, अगर 46 में 40 से 48 का जो ये आंकड़ा है सी वोटर का जम्मू कश्मीर का, अगर 40 पे रह गए तो क्या पीडीपी को साथ लेंगे, अदर्स में से कुछ इंडिपेंडेंट्स को साथ लेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी? अगर हंग असेंबली होती है तो जाहिर है दोनों पक्ष अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों और निर्दलियों के संपर्क में जरूर आएंगे। लेकिन हरियाणा का एक तीसरा एग्जिट पोल भी कांग्रेस की सरकार बना रहा है। पहले आपने देखा मैट्रीज, उसके बाद आपने देखा भास्कर और अब सी वोटर, तीन सर्वे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं और सी वोटर साफ साफ कह रहा है 50 से 58। आपका रिएक्शन?